भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आज सुपर स्पोर्ट पार्क पर जब आमने सामने होंगी तो दोनों टीमें जीत के सिवाय कुछ और नहीं चाहेंगी। भारत ने पहला मैच जीत कर 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की कोशिश अब अपनी बढ़त को आगे ले जाने की है तो मेजबान टीम की कोशिश बराबरी करने की होगी। सीरीज से पहले मेजबानों को अब्राहम डिविलियर्स के चोटिल हो जाने से झटका लगा था और अब दूसरे मैच से पहले कप्तान फाफ टू प्लेसेस के सीरीज से बाहर होने के कारण वह और परेशानी में आ गई है। उनके स्थान पर दो मैचों का अनुभव रखने वाले एडन माकराम टीम की कप्तानी करेंगे। टू प्लेसेस के स्थान पर फरहान बेहरदीन और डिविलियर्स के स्थान पर हेनरिक क्लासेन को टीम में जगह मिली है। पहले मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली ने वनडे में अपना 33वां शतक जड़ा था और उनका साथ अजिंक्य रहाणे ने बखूबी दिया था। इन दोनों के अलावा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने मेजबानों को 50 ओवरों में 269 रनों पर 8 विकेट पर सीमित कर दिया था। पहले मैच में भारत के शीर्ष क्रम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उनसे एक बार फिर उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप और चहल ने आपस में 5 विकेट बांटे थे, लेकिन भुवनेश्वर और जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं डिविलियर्स और डू प्लेसिस की गैरमौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी का भार हाशिम अमला, जियां पॉल ड्यूमिनी, डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक पर होगा। मेजबानों को कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की काट किसी भी हालत में ढूंढनी होगी। गेंदबाजी में मुनीर मोरकेल, कागिसो रबादा पर गेंदबाजी का दारोमदार रहेगा। टीम संकट में है, ऐसे में हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस और आंदिले फेहुलकवायो को भी अहम भूमिका निभानी होगी।